नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी का शीर्षक है असली खुशी। दोस्तों, किसी की मदद के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक सुदृढ़ और अच्छे मन की जरूरत होती है। एक बार की बात, एक व्यक्ति थे, उन्होंने सारा जीवन दूसरों की मदद के लिए निकाल दिया था। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की और उससे उन्हें खुशी मिलती थी। आज जब उनका आखिरी समय आया तो यमराज ने उनसे कहा कि आपने अपना सारा जीवन दूसरों की मदद के लिए निछावर कर दिया है, इसलिए आप चाहें तो मरने के बाद स्वर्ग में भी रह सकते हैं और नरक में भी रह सकते हैं, आपके कर्म अच्छे हैं। यमराज की बात सुनकर व्यक्ति ने सोचा कि पहले नरक में जाकर देखता हूँ वहाँ कैसा है, अगर मुझे वहाँ अच्छा लगेगा तो मैं वहाँ रहूंगा, अन्यथा मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। यमराज उन्हें नरक के द्वार पर ले जाते हैं। जब उस व्यक्ति ने वहाँ देखा, एक बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ है, खाने का बहुत अच्छा अच्छा सामान है, लेकिन फिर भी सब लोग भूखे हैं, सबके चेहरों पर उदासी है, सबकी शक्लों पर साफ दिख रहा है कि उन्होंने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है। उस व्यक्ति को ये बात बड़ी अजीब लगी कि सारा खाने का सामान है, फिर भी लोग भूखे क्यों हैं? तब उसने गौर से देखा तो पाया कि सबके हाथ एक तरह के हैं और किसी का हाथ भी मुड़ नहीं रहा है। अब हाथ मुड़ेगा नहीं तो आदमी खा कैसे सकता है? इस पर वो व्यक्ति डर गया। उसने यमराज से कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे स्वर्ग ले चलिए। अब दोनों स्वर्ग जाते हैं और वहाँ पर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा हाल है, उस हाल में भी एक खाने की बहुत बड़ी टेबल रखी हुई है, नर्क जैसा ही सुंदर खाना बना हुआ है, लेकिन वहाँ के सब लोग खुश हैं, कोई भूखा दिखाई नहीं दे रहा है, हर आदमी के चेहरे पर रंगत है, चमक दिखाई दे रही है। इस बार व्यक्ति ने यमराज से कहा, अच्छा यहाँ पर हाथ मोड़ने की कोई तकलीफ नहीं है, सब अपनी कोहनी मोड़ सकते हैं, इसलिए सबने अच्छे से खाया है और सब अच्छे से रह रहे हैं। तब यमराज कहते हैं, नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी किसी की कोहनी मोड़ नहीं सकती, लेकिन लोगों ने एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को खिलाना सीख लिया है, इसलिए यहाँ पर सब खुश है। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी इसी तरह होती है, हम अपनी पूरी जिंदगी में खुद के बारे में सोच सोच कर गुजार देते हैं, कभी दूसरों की मदद की सोचते भी नहीं हैं। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो कोई इंसान हमारी भी मदद करेगा। असल में हमें खुशियों को बांटना चाहिए ताकि हमें भी खुशी मिले। खुशियां बांटने से हम दूसरों का दुख कम कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से भी यही सीख मिलती है कि जीवन में दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी को भी किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और महान सेवा भी यही है कि हम दूसरों की मदद करें। जो अपना काम खुद नहीं कर सकते, हम उनकी मदद करें। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके मन में जो खुशी मिलती है, आपके मन में जो संतोष आता है, उससे बढ़कर कोई धन नहीं है, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, उससे बढ़कर कोई संतुष्टि नहीं है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।